मुंबई में INDIA की गठबंधन के बैठक के बाद देर रात जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौटे तो उनके ठीक बाद तेजस्वी यादव भी पटना लौट आए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने इस बैठक के बाद काफ़ी संतुष्ट दिखे तो तेजस्वी यादव काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पटना लौटे, वहीं नीतीश कुमार अकेले पटना लौटे, जिसके बाद संयोजक के सवाल पर जब नीतीश कुमार से प्रश्न पूछा गया तो वो इस प्रश्न से बचते हुए नजर आए थे। वहीं जब तेजस्वी यादव से प्रश्न पूछा गया तो वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताते हुए मीडिया को संबोधन किया। आपको बताएं कि INDIA के गठबंधन में सबकी निगाह नीतीश कुमार के ऊपर में टिकी हुई थी कि मुंबई की बैठक में उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इसका हुआ कुछ उल्टा। तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेदारी दिया गया, वहीं ललन सिंह को भी इस टीम में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की संतुष्टि और तेजस्वी यादव की खुशी इस बात को जाहिर कर रही है कि नीतीश कुमार जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो सफल दिख रहा है। हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पर देर रात पहुंचे हैं तो इस पूरे मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे लालू जी, क्या कहेंगे आज बैठक हुई? तेजस्वी जी देखिए बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी हुई है, उसमें सारी चीज़ें जो स्पष्ट कर दी गई है। कमेटी का जो है वो गठन किया गया है और जो भी सदस्य हैं कमेटी के उसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया गया है और सारी चीज़ें होंगी। जो भी चुनाव लड़ने की तैयारियां होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें तय होंगी। और जाहिर सी बात है चुनाव अगर लड़ी जाएगी तो कौन कहाँ लड़ेगा ये सारी बात जो है आगे चल के तय होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है तो उस चीज़ को हम लोग जो है निभाने का काम करेंगे। वो तो हो ही गया, शिक्षा रिंग तो होने अरे भाई सारे कमेटी बैठेगी, बातचीत होगा, बिहार में या देश भर में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें, इसके लिए कमेटी बनाए। बेकार की बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का ख़त्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।